आम की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, हर गली चौराहे पर चुनाव के बारे में चर्चा सुनना आम बात है। आज हमने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सतरानी मंडी के दर्जनों गांव में चुनाव को लेकर अपना दौरा किया, उनसे लोगों की राय जाननी चाहिए सतरानी क्षेत्र की जनता की कि अपने वो भावी उम्मीदवार के रूप में किसको देखना पसंद करते हैं। आज जानते हैं लोगों की राय। आप किसान है? हाँ जी। महेंद्रगढ़ के विधानसभा, अभी हमारे हरियाणा के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी। अब की बार आपके हिसाब से महेंद्रगढ़ का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? हमारा एमएलए जी आने से छिक लिया। आप कौन होना चाहिए जी आपकी बार? मेरा हिसाब से तो बीजेपी का नहीं आएगा, नहीं आएगा, कहीं अन्य पार्टी, अन्य 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 कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? वही देखो, मतलब अगर कांग्रेस में फूट पड़ जाती है तो चौटाला आएगा। चौटाला? चौटाला क्यों आएगा जी आपके हिसाब से? चौटाला क्यों आएगा? देखो जी, हरियाणा में अधिकतर लोग, मैं तो खा दिया, अधिकतर लोग मतलब हरियाणा में जाट को मुख्यमंत्री चाहते, इसलिए मतलब हरियाणा में इनका मतलब मानना है कि जी अधिकतर लोग जाट को मुख्यमंत्री चाहते हैं, चौटाला को ये लाना चाहते हैं जाति से झगड़ा है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी अभी महेंद्रगढ़ के, न हरियाणा के, तो आपके हिसाब से अभी भावी उम्मीदवार कौन होना चाहिए महेंद्रगढ़ का आपके विचार से? कांग्रेस, चौटाला, बीजेपी कौन होना चाहिए? आप ऐसा नहीं है अनाज खाते, आपको पता तो होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आओ से कोई जाओ। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप बता दो, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी, तो आपके विचार से कौन होना चाहिए हमारा उम्मीदवार, आपके उम्मीदवार एमएलए हमारा महेंद्रगढ़ जिले का? बीजेपी छोड़ के कोई चलेगा? बीजेपी को क्यों? और बीजेपी को क्यों क्यों नहीं? बीजेपी कोई भी काम नहीं कर रही। अच्छा, कोई भी काम नहीं कर रही है तो करे नहीं है कुछ भी। आप क्या चाहते थे? हम चाहते थे बढ़िया काम करेगी। नहीं, काम तो बहुत बढ़िया बढ़िया अटल बिहारी वो अपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी स्कीम है, देश के बारे में सोच रहे हैं। मजदूर वर्ग के लिए कुछ नहीं किया? अच्छा, मजदूर वर्ग के लिए तो मजदूर वर्ग में ही है। इसमें अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए हमारा भावी उम्मीदवार? भावी उम्मीदवार भी कोई नहीं, अभी आपने विचार तो किया होगा, अभी चुनाव आया है, आज 2019-18 में लास्ट में 12 महीने चुनाव देखा, अभी कोई विचार नहीं किया। ये सरकार बीजेपी देखी होगी आपने, टोटल भी देखी, कांग्रेस भी देख चुकी, आपकी काफी बरस उम्र हो चुकी है, तो आपने अब तक कोई विचार नहीं किया चुनाव का? तो हर 5 साल में अलग अलग विचार होंगे ना, तो विचार तो अभी चुनाव आ चुके हैं, आपने पहले विचार बनाया होगा, कोई विचार नहीं आपका? अच्छा, आपका चौटाला पार्टी से विचार है? चौटाला क्यों होना चाहिए जी आपके विचार से? हमारा काम करें, आपको तो पर्सनल काम हो गया, और बताओ जी और क्यों होना चाहिए? और कोई बात बताओ। चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद। इनके विचार से चौटाला होना चाहिए जी। अच्छा जी, आप बताइए, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हमारा महेंद्रगढ़ का विधायक कौन होना चाहिए? हमारा रमेश पालडी को ही हम वोट देंगे। चलो, थैंक यू। आप क्या काम करते हैं? दुकानदार हाँ जी। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपके हिसाब से भावी उम्मीदवार पर वोट होना चाहिए हमारे मंदिर के लिए? कोई भी हो सकता है आपके विचार से जी? आपके विचार से कोई भी? आप कौन सी पार्टी से? आप कोई भी पार्टी से? अभी अभी चुनाव आने वाले हैं मध्यगढ़ जिले के, आपके हिसाब से हमारा एमएलए अब की बार कौन होना चाहिए? अमेरदान सिंह अब की बार कोई भी मैं बताऊं, अमेरदान सिंह होगा आपकी बार? बताओ जी, हर पार्टी का अलग अलग घूमना पड़ेगा, कारण है उसमें, उसने काम बहुत अच्छा किया था पिछली बार, अब की बार काम नहीं हो रहा। रामदास क्या नहीं कर रहा? बहुत बढ़िया हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, नहीं हो रहा काम, कुछ नहीं हुआ, नौकरी कैसे मिल रही है? कैसी योग्यता आधार पर नौकरी मिल रही है? आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक दुकानदार हूँ। ठीक है, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए उम्मीदवार? इस सरकार ने बढ़िया काम करा है, जो योग्य के आधार पर नौकरी दी है, जो लायक है वो, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सरकार यही आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। हाँ जी, आप महेंद्रगढ़ जिले से ही हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले,
आपके विचार से अब की बार हमारा महेंद्रगढ़ का मेले कौन होना चाहिए? आपकी बात दान से क्यों मतलब क्या काम नहीं हुई है? नौकरी कैसा है? काम नहीं हुई, नौकरी बहुत ज्यादा दे दी आपके बार महेंद्रगढ़ जिले में, ये मतलब 930 तो अभी लगे हैं, कल 930 में डिस्कस नंबर पड़ा है, उससे पहले 450 किसके लगे थे? 450 अभी नहीं लगा, कोई भी पथरा गांव में बहुत ज्यादा लगे हुए नहीं है। तो आपके विचार से रावदान क्यों बनती है? आप सब्जी का काम करते हैं? हाँ जी। तो अब की बार विधानसभा चुनाव आने वाले महेंद्रगढ़ का उम्मीदवार कौन होना चाहिए आपके विचार? उम्मीदवार तो साहब शर्मा जी है, तो विचार तो शर्मा जी का ही है। शर्मा जी का विचार है, यानी कि बीजेपी का होना चाहिए? हाँ, मतलब बीजेपी अच्छे कार्य किए हैं, यानी कि बीजेपी मानते हो आप? आप महेंद्रगढ़ से हो ना, जिले से? अभी सतनाल मंडी में रहते हैं आप, चुनाव आने वाले हैं विधानसभा, आपके विचार से अमेल्य कौन होना चाहिए आपकी बात? आप बताइए, आप खाना खाते हैं, अमेल्य कौन होना चाहिए आपके विचार से? पसंद कौन है आपकी, पसंद क्या है आपकी, आपकी पसंद क्या है? पढ़े लिखे होगे ना, चलो पढ़ो, खाना खाते हो, आपकी पसंद क्या है? कांग्रेस बीजेपी चौटाला कोई तो होगा, बीजेपी क्यों? हलवाई की दुकान चलाते हैं, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं महेंद्रगढ़ के, तो आपके हिसाब से हमारा महेंद्रगढ़ का भावी उदार कौन होना चाहिए? सर जी, अगर हम नौकरियों के बारे में देखें तो बिना भेदभाव के बीजेपी ने काम किया। महेंद्रगढ़ का भावी उम्मीदवार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? भावी क्यों क्यों होना चाहिए जी? काम करवाया जी, चुनाव वाले महेंद्रगढ़ का भावी उम्मीदवार कौन होना चाहिए जी? काम करवाया वो होगा जी, फिर भी तो देख ही रहा है जो होना है, सरकार में काम तो होया है नहीं, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए जी? दान से होना चाहिए जी। आने वाले जी, आपके हिसाब से भावी उम्मीदवार कौन होना चाहिए महेंद्रगढ़ जिले का? कोई काम होया नहीं है, और पिछले योजना दान सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, और अब बार भी दान सिंह जरूर जीते हैं। आप बाड़ा गांव से हैं, नंबरदार हैं, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, तो चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो आप किसे अपना विधायक के रूप में देखना पसंद करते हैं? अभी तो सोच रहे हैं, ज्यादा है समझ में नहीं आ रहा सरकार के बारे में क्या क्या अभी फैसला ले। अभी आपने कोई विचार नहीं किया अपना विधायक चुनने के बारे में? अभी कोई विचार नहीं। तो आज आपने जाना क्या है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय, यह है लोगों के विचार, लोग ही अपना नेता चुनते हैं और वे किसे अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, यह देखना है कि यह चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। सतनाली से कैमरा मैन प्रिंस लांबा के साथ मुन्ना लांबा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।